हमरा से कोनो पहले पूछत रहे ना कि नौकरी देबही कि नौकरी देबही, तो हमर पता है कि जवाब रहे नौकरी देबै, बुझलिए ना। तो बढ़िया नौकरी अगर ना कर सकै छी तो बढ़िया नौकरी तो दैए सकै छी आ दैए रहल छी। जी प्रणाम, अजीत नाम है हमर। बिहार सरकार के नयका योजना युवा उद्यमी योजना और महिला उद्यमी योजना, जी एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के अंदर ये दो योजना जो लॉन्च हुआ है उसी योजना के बारे में आज हम आपको बताएंगे, डिटेल्स में समझाएंगे कि इस योजना का लाभ आप लोग कैसे ले सकते हैं। देखिए पहला योजना का नाम है युवा उद्यमी योजना। नीतीश जी इस बार क्या किए हैं, युवा उद्यमी योजना के अंदर थोड़ा सा चेंज किए हैं। पहले भी ये योजना था उसके अंदर क्या था कि सिर्फ निम्न वर्ग के लोगों को मिलता था, अब इस बार क्या कर दिया गया है, जनरल खोल दिया गया सबके लिए। जी हाँ, अगर आपका उम्र 18 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक है, चाहे आप महिला हो या फिर पुरुष हो, आप इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप अपना बिजनेस अपना उद्योग खड़ा कर सकते हैं सरकार के पैसे पे। जी हाँ, सरकार आपको पूरा का पूरा पैसा मुहैया कराएगी, 10 लाख रुपया। कितना? 10 लाख रुपया आप लोगों को मिलेगा। देना कितना है इसमें से? 5 लाख रुपया सब्सिडी है, सब्सिडी 10 लाख रुपया में से 5 लाख रुपया सब्सिडी है, बाकी के 5 लाख रुपया आपको वापस करना है। जी हाँ, बाकी के 5 लाख रुपया वापस करना, वो भी कितने ब्याज दर पे? महिलाओं के लिए बिल्कुल जीरो, फ्री में, महिलाओं को कोई ब्याज नहीं लगेगा। महिलाएं जो हैं 10 लाख रुपया सरकार से लोन ले, जिसमें से 5 लाख रुपया भरना है और 5 लाख रुपया उनको नहीं भरना, सब्सिडी मिलेगा, उससे अपना उद्योग धंधा चलाएं और उसमें अपना जो जीवी उपार्जन के लिए काम करें और बाकी के लोगों को भी रोजगार दें। युवा वर्ग क्या करेंगे, जो युवा लोग हैं वो उनको भी 10 लाख रुपया मिलेगा, 5 लाख रुपया जो भरना है उस पर ब्याज कितना लगेगा? 1%। चचा जी यहाँ गेम खेल दिए हैं, महिलाओं के लिए जीरो और लड़कन के लिए 1%, क्या आंसर आ रहे? हाँ यह बात है, सो 1% देना पड़ेगा। तुम लोग भी बढ़िया बिजनेस कर सकते हो, एंटरप्रेन्योरशिप तो 10 लाख रुपये में बढ़िया बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा यार, करो। नौकरी कम से कम बढ़िया मिल नहीं सकता है, सरकार दे नहीं सकती है, तो कम से कम इतना तो फायदा दे रही है कि आप अपना बिजनेस खड़ा कीजिए और लोगों को रोजगार दीजिए, एंटरप्रेन्योरशिप का तो यही मतलब है। क्या बिजनेस करना है, कैसे बिजनेस करना है, अगर इसका भी सजेशन चाहिए तो नीचे कॉमेंट्स कीजिएगा, मैं आपको बताऊँगा। नहीं आता आप लोगों कोई काम करने उसके लिए मैं बैठा हुआ हूँ, नहीं चाहते आप लोग कोई काम करना तो उसके लिए भगवान बैठे हुए हैं, जल्दी उठाएंगे आप लोगों को, ठीक है जी। तो इस योजना को जो लागू किया गया है, जो लाया गया है, उसके पीछे का मोटिव थोड़ा जान लेते हैं। देखिए पिछले इलेक्शन में चचा और चचा के टीम लोग जो उनके संगठन में थे या फिर जो उनसे गठबंधन में थे, तो उन्होंने तो ला दिया था कि भाई 19 लाख रोजगार देंगे, देंगे कहाँ से, तो यही जुगाड़ लगा है। एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया जाए, उद्यमी योजना प्रोग्राम स्टार्ट किया जाए, जिसके अंदर हम आदमी को बिजनेस करने के लिए पैसा देंगे, सब्सिडी भी देंगे और वो अपना बिजनेस शुरू करें और उस बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दे, तो 19 लाख थी, उससे तो ज़्यादा हो सकता है रोजगार। हाँ तो यह तरीका है। इस योजना की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आपका उम्र कम से कम 18 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा 50 वर्ष होना चाहिए। जी हाँ, ये महिला और पुरुष दोनों के लिए है। उसके अलावा 12वीं पास कम से कम होना चाहिए। जी हाँ, इंटरमीडिएट जो अपना यहाँ इंटर के एग्ज़ाम कहे थे वो पास होकर पढ़ दो तभी ये मिल दो। उसके अलावा क्या है जी, उसके अलावा ये है कि इसके अंदर क्राइटेरिया जो है, जिसके अंदर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, तो कागज़ क्या क्या लगेगा, कागज़ में आधार कार्ड पैन कार्ड, जी हाँ आधार कार्ड पैन कार्ड, उसके अलावा MSME सर्टिफिकेट, अगर आपका कंपनी कोई रजिस्टर्ड नहीं है तो नया कंपनी रजिस्टर्ड करवाइए, MSME सर्टिफिकेट लीजिए, ऑनलाइन मिल जाता है, कोनो साइबर कैफे वाला से आप लोग ले सकते हैं, सो MSME सर्टिफिकेट आप लोगों को मिल जाएगा। उसके अलावा उस कागज़ के बिहार पे, आधार कार्ड पैन कार्ड MSME सर्टिफिकेट के बिहार पे आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा, किसी भी बैंक में जाकर के बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए और उसके बाद आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन कहाँ अप्लाई करना है, udyami.bihar.gov.in। जी हाँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप देख करके और उस पे जा करके अप्लाई कर दीजिए। फर्स्ट तिमाही में अगर आप ये अप्लाई करेंगे, जी हाँ 6ठे महीने से लेकर 9वें महीने के बीच में अगर आप अप्लाई करते हैं, अभी अप्लाई स्टार्ट हो चुका है, तो हो सकता है आपका नाम जल्दी ही आ जाए, तो इसमें देरी नहीं कीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस पर जा करके बिहार सरकार के जो वेबसाइट है उस पर जा करके फॉर्म फिलअप कर दीजिए और उसमें आप लोगों को मिल जाएगा अप्रूवल डिसअप्रूवल।
ये सरकारी तंत्र है, सरकारी तंत्र अपने हिसाब से काम करती है, और आप लोगों को पता है कि बिहार में बिना कुछ दिए हुए कुछ आता नहीं है, ठीक है। तो 5 लाख मिल रहा है, उनमें से तनखा मन का इन्हें उन्हें कर दीजिएगा, बाकी क्या बोले हम, अगर थोड़ा वो देना भी पड़ता है तो भाई क्या कीजिएगा, अब यही व्यवस्था चल रहा है। सरकार तो कह देती है कि हमने दे दिया, लेकिन मिलता नहीं। हमको भी पता है कि अगर आप नॉर्मल छोटा सा काम कराने जाइए तो मिलवे नहीं करेगा, तो 10 लाख रुपये का जो सिस्टम है वो कैसे मिलेगा। तो आप लोगों को अपना अपने लोकल लेवल पे सेट करना पड़ेगा। उद्योग केंद्र होता है, उद्योग केंद्र पे जाइए, हो सकता है ईमानदार ऑफिसर हो तो फ्री में कर दें, और चांस कम है। अगर नहीं हो तो बाकी तो व्यवस्था आप लोग जान ही रहे हैं, जुगाड़ सिस्टम चलवे करता अपने यहाँ, तो इस व्यवस्था से आप लोग कर सकते हैं। देखिए, इस योजना में जो चयनिंग प्रक्रिया है वो डिपेंड करता है कि आपके जिला में कितना सीट आया है, उस जिला की जो जनसंख्या है वो कितनी है वो भी डिपेंड करता है, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी डिपेंड करता है कि कितना एलिजिबल है आप उस चीज़ को करने के लिए। उसके अलावा अगर इसमें आप क्वालिफाई हो जाते हैं, सब जो कि आपका लोन पास हो जाता है, तो 25,000 रुपये ऊपर से और मिलेगा आपको ट्रेनिंग के नाम पर। जी हाँ, ट्रेनिंग के नाम पर 25,000 रुपये और मिलेगा, तो उसको भी आप लोग यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, मतलब अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, उद्यमी बनना है, ठीक है, तो इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। सरकार हमारी है, हमारे लिए सोच रही है, तो हम लोग फटाफट उसका फ़ायदा उठा ले। लोग सोचे समझे या फिर करें, उससे पहले आप लोगों को फ़ायदा इसका ले लेना है। कोई और भी क्वेश्चन या क्वेरी आप लोगों के माइंड में आता है तो आप कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं, उस कमेंट पे हम आपको रिप्लाई करेंगे, और कोशिश करेंगे कि अगला वीडियो हम आपको उस कमेंट के हिसाब से बना करके दें। तो आप लोग क्या जानना चाहते हैं कमेंट्स कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के जितने भी सवाल हैं उसका जवाब दे पाऊँ। धन्यवाद।